What's up my lovely friends, hope you guys are doing fantastic today. So guys, आप लोगों की भारी डिमांड पे आज की वीडियो में मैं आपको अपनी ड्रोन को आपको लाइव रजिस्टर करके दिखाऊंगा कि कैसे डिजिटल स्काई साइट पे जाके हम फ्री में अपनी ड्रोन को लाइव रजिस्टर कर सकते हैं, और वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। तो अगर आप एक ड्रोन ओनर है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। अब दोस्तों, इस वीडियो से पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने ये बताया कि रजिस्ट्रेशन के लिए किन किन तरीके के डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ सकती है और उन डॉक्यूमेंट को कैसे फॉर्मेट करना है ताकि आप रजिस्टर कर पाए, फोटो ड्रोन की कैसे लेनी है, उसका क्या मतलब रेजोल्यूशन होना चाहिए, वो सब कुछ मैंने उस वीडियो में बताया जो कि मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले वो वीडियो देखें और बाद में इस वीडियो पे आएं, तो उसका लिंक मैं यहाँ कहीं डाल दूंगा। और डॉक्यूमेंट से मेरे को याद आया कि दोस्तों, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू करने से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लें, एक फोल्डर में रख लें और फिर ही रजिस्ट्रेशन शुरू करें, क्योंकि ये एक लंबा प्रोसेस है। और दूसरा, किसी भी डॉक्यूमेंट का, जितने भी डॉक्यूमेंट आप स्कैन करेंगे, उनका साइज 300 KB से ऊपर का नहीं होना चाहिए। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट 300 KB से ऊपर का हुआ तो वो इस साइट पे अपलोड नहीं होगा और आपको बार बार एरर देगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने ड्रोन का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू करते हैं, लेट्स गो। ओके गाइज, ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे आके हम अपने ड्रोन का रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे। अब यहाँ पे ये RPAS इनलिस्टिंग ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक नया वेब पेज खुल जाएगा। यहाँ पे थोड़े से इसके रूल्स वगैरह दे रखे हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, आप इनको पढ़ सकते हैं, हालांकि मैंने पिछली वीडियो में इसको कवर किया है। अब हम यहाँ पे जाएंगे इनलिस्ट माई ड्रोन और इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे एक पेज खुल गया, यहाँ पे कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन मांग रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए, आपका नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और पासवर्ड वगैरह वगैरह। तो मैं इसको जल्दी से भर लेता हूँ यहाँ पे। अब दोस्तों, हम जनरेट OTP करेंगे तो आपके मोबाइल रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा जो आपको यहाँ डालना है, और फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक वेरिफिकेशन लिंक आपकी ईमेल में गया है। अब मेरे केस में ये लिंक स्पैम फोल्डर पे आया है, तो अगर आपको अभी तक ये ईमेल नहीं मिला है तो आप भी अपना स्पैम फोल्डर चेक करिए, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। फिर हम यहाँ से ये जो लिंक है इसको हम कॉपी करके उठाएंगे, पूरे लिंक को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और एक नए वेब पेज पे, वेब ब्राउज़र खोलेंगे, वेब विंडो, और वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब ये ऑप्शन आ गया, फर्स्ट ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, आई एम एन इंडिविजुअल ओनर, और यहाँ पे अब ये इंडिविजुअल प्रोफाइल का पेज खुल गया। इसमें भी आपको कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो हम भरना शुरू करते हैं, नाम, नेशनैलिटी वगैरह वगैरह। तो मैं पहले यहाँ पे अपना पूरा नाम भर देता हूँ, फिर मैं नेशनैलिटी इंडियन, अपने पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह यहाँ पे डाल देते हैं। और फिर ये एक कॉलम में प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, अब यहाँ पे अगर आप ड्रॉप डाउन में आके देखेंगे तो आपके पास आधार का ऑप्शन भी है। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप आधार भी यूज़ कर सकते हैं। मैं पासपोर्ट यूज़ कर रहा हूँ और उसकी सारी डिटेल मैं यहाँ पे भर लूँगा एक बार जल्दी से। और फाइनली हम पासपोर्ट की एक फ़ोटो अपलोड करेंगे जिसमें उसका फ्रंट और बैक पेज दोनों एक ही पेज में होगा, तो ये हो गया अपलोड। अब जो अगला सेक्शन है वहाँ पे आपको एड्रेस की डिटेल देनी है, तो यहाँ पे हम अपनी सारी एड्रेस की डिटेल जल्दी से भर लेंगे। और यहाँ पे इसी एड्रेस का आपको एक एड्रेस प्रूफ भी देना है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर, गैस, ये सब डिटेल में दे रखा है, बैंक स्टेटमेंट वगैरह, इनमें से कोई एक होना चाहिए। तो मैं अपना बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर दूंगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट सेक्शन है क्वालिफिकेशन का, आपकी जो क्वालिफिकेशन है आप उसके हिसाब से हाईएस्ट जो क्वालिफिकेशन है उसको यहाँ पे चुन सकते हैं, और फिर आपको उसी की मार्कशीट भी अपलोड करनी पड़ेगी, स्कैन कॉपी यहाँ पे जाके। तो मैं जल्दी से वो मार्कशीट भी अपलोड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको एक अल्टरनेट कॉन्टैक्ट पर्सन का डिटेल देना है, अभी तो यहाँ मेरा नाम आ रहा है तो मैं जल्दी से यहाँ पे अल्टरनेट कॉन्टैक्ट पर्सन की डिटेल भर देता हूँ, उसका नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर। और फिर हम जैसे ही इसको सबमिट करेंगे दोस्तों, ये हो गया हमारा खुद का रजिस्ट्रेशन, और आप देख सकते हैं कि हमको ये एक OAN नंबर भी इशू हो गया है। दोस्तों, फर्स्ट स्टेप में आप अपने आप को एज अ ओनर रजिस्टर कर चुके हैं साइट पे, और आपको एक ओ नंबर भी मिल गया जैसा कि आपने देखा। वैसे तो ये नंबर आपको ईमेल पे आएगा, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा कि इसको कहीं बहुत संभाल के रखें, अपने आप को एक अलग से ईमेल कर लें या कहीं डॉक्यूमेंट में कहीं लिख के रख लें, क्योंकि ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपका एक ही है, मतलब आपका ज़िंदगी भर ये एक ही नंबर रहने वाला है। अब आगे चल के आप कोई भी और ड्रोन खरीदते हैं या मल्टीपल ड्रोन खरीदते हैं तो वो सारी ड्रोन इस ओन नंबर के अंदर ही रजिस्टर होंगी। अब चलते हैं अगले स्टेप में, जो है हमारा एक्चुअल ड्रोन रजिस्ट्रेशन। बट दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और यूजफुल लग रही है तो प्लीज़ लाइक बटन दबा दो और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल पर अगर आपने अभी तक नहीं किया है, तो लेट्स गो। ओके दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम सेकेंड पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे आके हम बैक टू माई ड्रोन करेंगे, और यहाँ पे देखिए ब्लू कलर का आ रहा है बड़ा सा बटन, एनलिस्ट न्यू ड्रोन।
अब आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये चार स्टेप का प्रोसेस है और वन बाय वन हम फॉलो करेंगे। अब पहले स्टेप में आप देख सकते हैं कि कुछ बेसिक सी डिटेल है, मैन्युफैक्चरर नेम, मॉडल नंबर, ईयर मैन्युफैक्चरर, सीरियल नंबर, ये सब आपको भरना है। और आपको एक चेकबॉक्स पे दिख रहा है जहाँ लिखा माई ड्रोन इज सेल्फ असेंबल्ड ड्रोन। अगर आप इस चेकबॉक्स पे क्लिक कर देंगे तो वो मैन्युफैक्चरर नेम, मॉडल नंबर और सीरियल नंबर डिसेबल हो जाएगा, क्योंकि आपकी ड्रोन अगर खुद की बनाई हुई है तो उसमें ये सब चीज़ें नहीं होंगी आपको। बट मेरे केस में मैं DJI की ड्रोन यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इसको अनचेक करके अपनी ड्रोन की डिटेल डालना शुरू करूँगा। जो जो चीज़ें मुझे नहीं पता है उसके लिए मैं गूगल बाबा की मदद ले सकता हूँ। अब जैसे कि ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर नहीं पता है तो यहाँ पे जाके मैं अपने DJI Phantom 1 का ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर गूगल में चेक करूँगा। और यहाँ पे दिखा रहा है कि 2013 में ये ड्रोन मैन्युफैक्चर हुई थी तो मैं यहाँ पे 2013 डाल दूंगा। अब सीरियल नंबर आपके ड्रोन के ऊपर ही पीछे की तरफ होता है कुछ इस तरीके से, तो ये सीरियल नंबर हम यहाँ पे एग्जैक्टली सही से एक्यूरेटली इसको यहाँ डाल देंगे। अब मैंने सीरियल नंबर के साथ एक चीज़ और देखी कि यहाँ पे मॉडल नंबर भी दिया हुआ है, तो मैं ये DJI Phantom 1 के आगे ब्रैकेट में इसका जो मॉडल नंबर पीछे दिया हुआ था P330 वो भी डाल दूंगा यहाँ पे। और बस इसको अब हम सेव और कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे भी कुछ और डिटेल मांग रहा है, जैसे कि आपके फ्लाइट कंट्रोलर का मतलब आपका जो रिमोट है उसका सीरियल नंबर। अब दोस्तों मैं ये वाला रिमोट यूज़ करता हूँ, उसमें कोई सीरियल नंबर नहीं है, तो पीछे मेरे को इसका एक ये मॉडल नंबर सा दिखा था, मैं यहाँ पे यही लिख दूंगा SR6 सीरियल नंबर ऑफ ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन। हमारे मेरे ड्रोन में ऐसा कुछ है नहीं तो मैं यहाँ पे NA डाल दूंगा। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट इन kgs, अब ये मेरे को नहीं पता तो इसके लिए मैं फिर से गूगल बाबा की मदद लूंगा और मैं वहाँ पे लिखूंगा कि भाई DJI Phantom 1 का जो पेलोड है वो कितना होता है। ये आ गया मैक्स पेलोड। दोस्तों हो सकता है कि आज आपको बैकग्राउंड में हल्की फुल्की नॉइज सुनाई दे, तो उसके लिए मैं पहले ही माफी मांगना चाहूंगा। अब ये दिखा रहा है 826 ग्राम दोस्तों, सो हम वहाँ पे वापस जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे इन केजीज लिखा हुआ है, तो अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली 826 ग्राम लिखेंगे तो वो एरर देगा आपको, देखिए रेड हो रहा है। तो हमको इसको केजीज में डालना है, तो केजीज में डालने के लिए आपको यहाँ पे 0.8 लिखना पड़ेगा और ये देखिए ग्रीन हो गया। अब बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रो ड्रोन वो अपने आप पिकअप कर रहा है, ऑनबोर्ड कंट्रोलर ड्राइव मैनुअल मैं इसको छेड़ूंगा नहीं, ये डिफ़ॉल्ट आ रही थी तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा। विंग टाइप भी रोटरी विंग है, जो जितने गोल वाले वो होते हैं उनको रोटरी विंग बोला जाता है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा था, इसको भी मैं नहीं छेड़ूंगा। अब आ रहा है मंथ एंड ईयर ऑफ परचेज, यहाँ पे भी एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि मंथ एंड ईयर ऑफ परचेज को लिखने का एक तरीका, अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो ये एरर देगा। यहाँ पे आपको मंथ के तीन लेटर, मतलब जैसे सितंबर है तो सितंबर SEP और 2013 ऐसे लिखना है, और ये देखिए एक्सेप्ट हो गया। अब मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाऊँगा। दोस्तों ये है इसका लास्ट ऑप्शन जहाँ पे आपको इसकी हाई रेजोल्यूशन फ़ोटोज़ को अपलोड करना है। फ़ोटोज़ की डिटेल मैंने अपनी पिछली वीडियो में दी है, कैसे खींचनी है, क्या क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे भी वही सब इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे अब एक एक करके फ़ोटोज़ को अपलोड करना शुरू करते हैं। पहले मैं फ्रंट एंगल वाली फ़ोटो को अपलोड करूँगा जो कि ये है मेरी यहाँ पे, उसके बाद मैं टॉप एंगल वाली फ़ोटो को अपलोड करूँगा वो ये आ गई, और लास्ट में मैं सीरियल नंबर वाली फ़ोटो को अपलोड करूँगा जो कि अब यहाँ पे आ जाएगी। और फाइनली ये नीचे है जिसमें आपको डिक्लेरेशन, मतलब इसको चेक करना है कि आप कंफर्म करते हैं कि आपने जो डिटेल दिया वो एकदम सही है, कुछ गलत नहीं दिया है और आप सारे रूल्स फॉलो करेंगे, अदरवाइज आपके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई हो सकती है फलाना ढिमकाना। यहाँ पे आप इसको चेक कर दीजिए और अब हम सेव एंड प्रीव्यू कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे प्रीव्यू मतलब ये जो आपने जो जो कुछ भरा है वो सब एक बार फिर से दिखाएगा, तो अगर आपको कहीं पे कोई करेक्शन करना है तो अभी आप देख के उसको करेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कहीं करेक्शन नहीं करना तो बस एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए और नीचे जाके गेट डन पे क्लिक कर दीजिए। और जैसे ही हम गेट डन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी ड्रोन अब रजिस्टर हो चुकी है और यहाँ पे आपको ड्रोन एक्नॉलेजमेंट नंबर भी मिल गया है जो कि आपको ईमेल में भी चला जाएगा। एंड दैट्स इट दोस्तों, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी फाइनली ड्रोन रजिस्टर हो गई है और ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस था, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आई। अगर आपको कहीं कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो जैसे कि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि इनके एक कस्टमर केयर की ईमेल आईडी है जहाँ पे ये लोग बहुत जल्दी रिप्लाई करते हैं, तो इनको ईमेल लिखने में बिल्कुल झिझके ना, तुरंत ईमेल करें और आपके पास उसी दिन रिप्लाई आ जाएगा।
और आज के लिए इतना ही, बाकी मैं जल्दी मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा एंड आई विल सी यू सून। बाय बाय।